गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, तो नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने कि चिनर NCR से क्या तात्पर्य है, व्युत्क्रम ताप की परिभाषा लिखिए, वर्ग माध्य मूल वेग की परिभाषा लिखिए, आरडी सुलजे नियम लिखिए और लास्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग और प्रथम कोटि वेग का नियतांक की इकाई लिखिए। तो इस प्रकार से जो सवाल पूछे जाएंगे इनका आंसर आपको किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, चिनह NCR से क्या तात्पर्य। इससे पहले वीडियोस में मैंने एक क्वेश्चन डाला था जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि NCR से क्या था, NPR से क्या था। ये सवाल पूछा गया था NPR से क्या तात्पर्य है, तो इस बार इस तरह से भी सवाल पूछ सकते हैं कि जना NCR से क्या तात्पर्य। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था P का मतलब है यहाँ पर परम्यूटेशंस, क्रमचय, तो यहाँ P जो होता है वो क्रमश को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर जो C दिया हुआ है NCR, तो C यहाँ पर कॉम्बिनेशन से नहीं संचय को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पूछा गया था कि NPR चिन्ह से क्या तात्पर्य है, तो N वस्तुओं में से एक ही समय में R वस्तुओं को लेकर बनाए गए जो क्रमश की संख्या है उसको NPR से व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से NCR जो होता है वो n असमान वस्तुओं में से r प्रकार की, एक ही समय में r प्रकार की वस्तुओं को लेकर बनाए गए जो संचय की संख्या होती है उसे NCR से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर NCR में जो C है वो संचय को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन संचय। तो यहां पर NCR से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा N असमान वस्तुओं में से एक ही समय में आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचय की संख्या, इसे NCR से रिप्रेजेंट किया जाए। NCR इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n माइनस आर का। इससे पहले हमने NPR का जो फॉर्मूला लिखा था NPR इक्वल टू होता है क्रमश की संख्या, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इस बेस पर हमने आगे डिस्कस किया था कि किस तरह से सवाल पूछे हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर NCR पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि C है या P, C का मतलब कॉम्बिनेशन संचय से है और P का मतलब परम्यूटेशन यानी क्रम संचय। तो NCR पूछे तो N असमान वस्तुओं में से एक ही समय में R वस्तुओं को लेकर बनाए गए जो संचय की संख्या होती है उसको NCR से रिप्रेजेंट किया जाएगा और NCR बराबर होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। तो इस बेस पर आपको सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
आप इस फॉर्मूले से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एनसीआर के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, व्युत्क्रम ताप की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्युत्क्रम ताप की परिभाषा लिखिए। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, व्युत्क्रम टेम्परेचर क्या होता है, इमर्जन टेम्परेचर, किसी गैस का वह ताप, वह निश्चित ताप जिससे नीचे ही उसका पसार होने पर शीतलन होता है। कोई भी गैस है उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है और उसके नीचे उसका जब प्रसारण करते हैं, प्रसार किया जाता है, तो प्रसार होने पर शीतलन होता है, तो उसे व्युत्क्रम ताप कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ग माध्य मूल वेग की परिभाषा लिखिए। वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है? तो दिए गए ताप पर गैस के अणुओं के वेगों के वर्गों के औसत का वर्गमूल। दिए गए ताप पर कोई भी गैस है उसके अणुओं के वेग जो होते हैं उनका वर्ग के औसत का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सी आर एम एस इक्वल टू रूट ए आर टी अपॉन एम्स। चौथा क्वेश्चन था हार्डी सुलझे नियम लिखिए। हार्डी सुलझे ने किसी कोलाइड विलयन में स्कंदन करवाने हेतु डालेंगे विद्युत अपघटन का वह आयन प्रभावी होता है जिस पर कोलाइड कणों के आवेश के विपरीत आवेश उपस्थित हो। आरडी सुलझे ने क्या किया था कि जो कोलाइड विलयन था उसका स्कंदन करवाने हेतु बाहर से विद्युत अपघट्य डाला गया, और वो बाहर से डाला गया विद्युत अपघट्य उस कोलाइड विलयन के स्कंदन करने के कारण उसका वो आयन अधिक प्रभावी होता है जिस पर कोलाइड विलयन के विपरीत आवेश वाला जो आयन होगा वो उसको अधिक से अधिक स्कंदित कर। तो इसके लिए उन्होंने, यदि कोलाइड विलयन धनावेशित है तो उसको डाला गया जो विद्युत अपघट्य होगा वो ऋणावेशित होगा, और उस पर जितना ज्यादा आवेश होता है वो उसके स्कंदन की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। इन्होंने एक ऑर्डर दिया था सहजगता के आधार पर कि जो ऋणात्मक कोलाइड विलयन है तो उनके द्वारा धनात्मक जो आयन होंगे स्कंदित करने की क्षमता, और दूसरा यदि धनात्मक कोलाइड विलयन है तो उनके द्वारा ऋणात्मक जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनके द्वारा स्कंदित करने की जो क्षमता का क्रम है वो भी पूछा जाता है। तो देखिए इसमें तो इस प्रकार से धनावेशित सोल को ऋणायनों द्वारा स्कंदित करने की जो क्षमता का क्रम होगा Fe(CN4)-4 सबसे ज्यादा, उससे कम फॉस्फेट PO4(3-), उससे कम सल्फेट SO4(2-), और सबसे कम Cl-। तो ये जो धनावेशित सोल है उसको ऋणावेशित आयनों द्वारा स्कंदित करने की जो क्षमता सबसे ज्यादा होगी, जिस पर जितनी ज्यादा आवेश संयोजकता -4, -3, -2, -1, तो उनके द्वारा स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। और यदि ऋणावेशित सोल है तो उन ऋणावेशित सोल को धनावेशित आयनों द्वारा स्कंदित करने की क्षमता है Al3++3 संयोजकता, उससे कम बेरियम Ba2+, उससे कम Na+। तो इस प्रकार से हार्डी सुलझे ने कहा था कि कोई भी कोलाइड विलयन है उसके स्कंदन करवाने के लिए जो विद्युत अपघट्य का आयन प्रभावी होता है जिसको सक्रिय आयन कहा जाता है, वो जिस पर कोलाइड कणों के आवेश की विपरीत आवेश उपस्थित हो वो ज्यादा एक्टिव होगा, यानी जिस सक्रिय आयन पर जितनी ज्यादा संयोजकता होती है उसके स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये ऑर्डर पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान रखना होता है जिस पर जितनी संयोजकता सक्रिय आयन पर ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। सबसे ज्यादा Fe(CN4)-3, उससे कम फॉस्फेट की, उससे कम सल्फेट की, सबसे कम Cl-। धनात्मक ऋणावेशित सोल है तो उसके द्वारा
उसको धनायनों द्वारा स्कंदित करने की जो क्षमता सबसे ज्यादा होगी वो एल्यूमिनियम 3 प्लस की होगी, उससे कम बेरियम 2 प्लस और उससे कम Na प्लस की। तो इस प्रकार से आरडी सुलझे ने जो नियम दिया था उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, नेक्स्ट है अभिक्रिया का वेग और प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग का नियतांक की इकाई लिखिए। इसमें यूनिट पूछा है अभिक्रिया वेग की इकाई और प्रथम कोटि जो अभिक्रिया है उसकी इकाई क्या है। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग की परिभाषा पूछे क्या होती है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, कोई भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर अभिक्रिया का वेग पूछे तो अभिक्रिया का वेग होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निश्चित समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो इसको अभिक्रिया का वेग को dx अपॉन dt से dx अपॉन dt, यदि अभिकारक a की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो इसे हम माइनस d अपॉन dt इक्वल टू, और यदि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो dt अपॉन dt से व्यक्त कर। इसका जो यूनिट होगा अभिक्रिया का वेग का, तो अभिक्रिया का वेग इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन उसमें लगा समय, सांद्रता को मोल प्रति लीटर में, सांद्रता चूंकि कंसंट्रेशन जो सांद्रता होती है उसको अपन मोल प्रति लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। समय है उसको सेकंड में, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वेग का अभिक्रिया वेग मोल प्रति लीटर अपॉन सेकंड, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अभिक्रिया का जो वेग है उसका जो यूनिट होगा वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और प्रथम कोटि जो अभिक्रिया है उसका जो वेग नियतांक होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि सपोज कोई मान लीजिए क्रियाकारक अणु पी प्रोडक्ट देता है, तो इस अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार जो रेट इक्वल टू होती है अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो गति होती है के वन होती है। तो यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होगा वो मोल प्रति लीटर अपॉन सेकंड इक्वल टू के वन मोल प्रति लीटर अपॉन सेकंड। इस प्रकार से हम जब इसका यूनिट ज्ञात करेंगे तो इसकी यूनिट जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है वो सेकंड इनवर्स होगी, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभिक्रिया का वेग और प्रथम कोटि वेग नियतांक की इकाई आप ज्ञात कर सकते हैं।
अभिक्रिया का वेग के लिए जो इसका यूनिट हो जाएगा वो मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। सांद्रता है उसको हम 1 मोल प्रति लीटर में और समय को सेकंड में लेंगे तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रियाकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। जैसे सपोज कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से पी प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके लिए अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा वो माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के वन ए हो जाएगा। तो इसके लिए जो रेट होगी अभिक्रिया की जो दर होगी रेट कॉन्स्टेंट यूनिट के लिए अपन निकालेंगे तो यहाँ जो वेग की इकाई होती है मोल प्रति लीटर अपॉन सेकेंड इक्वल टू के वन, सॉरी यहाँ पर मोल प्रति लीटर हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर। तो इस प्रकार से जो के वन प्रथम कोटि वेग का जो नियतांक होगा इसकी जो इकाई होगी के वन मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कट जाएगा, के वन इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। कोई भी जीरो ऑर्डर है या फिर फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकंड ऑर्डर है तो उसकी हम यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से यूनिट बेस का भी एक छोटा सवाल एग्जाम में पूछ सकते हैं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया का वेग या फिर थर्ड ऑर्डर जो भी अभिक्रिया उसका वेग नियंत्रण की इकाई क्या होगी। तो इस प्रकार से आप जो सवाल एग्जाम में पूछा जाए उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो बी पार्ट के अंदर सवाल पूछे जाएंगे उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। ओके थैंक यू।